Welcome back. In this video, we are going to start a very important theorem. Basically, we will cover complete theorem, Kennedy theorem. And यही Kennedy theorem है जो आपको gate में और IES में use होने वाला है. ठीक है? Theorem बहुत easy है. And you can actually use this theorem everywhere. Not in conventional question, but in MCQs at least. Okay? Theorem सबसे पहले क्या है? वो देख लेते हैं. Here it is, Kennedy's theorem. For relative motion between any two links in mechanism, any three links, their ICR will always lie in a straight line. इसका मतलब क्या है? अगर दो links में relative motion हो रहा है, तो दो links के कितने ICR बनते हैं? तीन ICR बनते हैं, ठीक है? तो उनके जो तीनों ICRs हैं, वो कभी भी एक straight line में रहेंगे, ठीक है? कभी भी straight line में रहेंगे, right? अभी उनका directional law ये है. डायरेक्शनल लॉ क्या है देख लेते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहला इफ एम एंड एन इज अ लिंक. ओके, अगर एम और एन एक लिंक है तो इसके तीन आईसीआरस बन सकते हैं. ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि अगर तीनों आईसीआरस, ये सिर्फ एक बार देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में. अगर तीनों ही आईसीआरस एक साइड में है, मतलब एम एन वन एन एंड वन एम, तो सेम डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन होता है दोनों लिंक्स का वो सेम होगा रोटेशन का. अगर ICRs अपोजिट में है तो जो सेंस होता है वो दोनों का अलग होगा. अब ये क्या मैं बोल गया ये आप इधर समझ लेते हैं यार अच्छे से. देखिए देयर आर टू लिंक्स, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू. इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, डोंट वरी. लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री, और वन कौन है? वन इज ग्राउंड. ठीक है, तो इनके इस ऑब्वियसली ये जो दो लिंक है ना, इनके तीन ICR बनेंगे. ऑब्वियसली जो लिंक नंबर थ्री ने उसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन अगेन दूसरे लिंक का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, तो ये तीन ICR बने. तो केनेडी थ्योरम ये बताता है कि तीनों ICR कभी भी एक लाइन में होते हैं. मतलब ऐसा होगा I13, I23 एंड I12 कभी भी एक ही लाइन में होंगे, 12, 13 एंड 23. ठीक है, हाँ. तो और इससे अगर मुझे एक फार्मूला डिराइव करना है तो वो मैं कैसे डिराइव कर सकता हूँ? जो फार्मूला एक्चुअली केनेडी थ्योरम में यूज़ होता है वो ऐसा है कि ओमेगा थ्री, इधर एक फार्मूला लिख दिया आप पहले वो देख लीजिए, फिर इससे हम वर्क करते हैं. देखिए ये मैंने थ्योरम बेसिस पे लिखा है. ओके, और ये क्या बताता है? दैट फॉर एंगुलर वेलोसिटीज़, लेट से देखो लिंक नंबर, लेट से एक एम है और एक एन है, तो इसके कितने ICRs बनेंगे? I1N, राइट? तो ये कैसे लिखेंगे? WM into IMN, जो कॉमन ICR है, ये क्या है एक्चुअली? W ओमेगा into डिस्टेंस, राइट? दोनों का लीनियर वेलोसिटी तो सेम ही होगा, तो ओमेगा into डिस्टेंस मैंने लिख दिया है. ओमेगा M into IMN into I1M is equals to ओमेगा N into IMN into I1M. ये क्या लिख गया मैं, आप समझ लेते हैं. देखिए तो इसका जो केनेडी का फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा? वैसे बनेगा ओमेगा थ्री, ओमेगा टू, और यहाँ पे ये डिस्टेंस आने वाली है. डिस्टेंस कौन सा है? देखिए जो टू थ्री जो होता है वो एक कॉमन ICR है दोनों ही लिंक्स के लिए. ओके, तो डिस्टेंस कभी भी ऐसा होगा ओमेगा थ्री इंटू I23 एंड डिस्टेंस ऑफ इसका जो ग्राउंड के साथ ICR है वो I13. यहाँ पे भी कैसा होगा? I23 एंड इसका जो ग्राउंड के साथ ICR है I12. इससे आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक ओमेगा निकाल सकते हो. ठीक है, ये कौन सा थ्योरम आ गया? केनेडी थ्योरम. इसको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझते हैं, डोंट वरी. तो डायरेक्शन का सेंस जज कर लो. देखो यहाँ से तो आपको मैग्नीट्यूड ही पता चलेगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेगा. अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका क्या है डायरेक्शन नहीं पता. तो कैसे देखते हैं? अगर जो कनेक्टिंग ICR है, कनेक्टिंग मतलब क्या, जो 2-3 मतलब दोनों लिंक्स का बन रहा है वो सेंटर में आ जाता है और बाकी दोनों ICR यहाँ आ जाते हैं ऐसे, तो जो डायरेक्शन होगा वो कभी भी अपोजिट होगा. अपोजिट मतलब अगर 2 क्लॉकवाइज है तो 3 एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा. क्लियर है? ये डायरेक्शन का सेंस बता रहा हूँ मैं. ओके, अगर ऐसा नहीं है, I23 यहाँ कहीं है, जो इंटरमीडिएट जो इंपॉर्टेंट ICR, कौन सा ICR है? देखो ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये है इंटरमीडिएट ICR. ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट ICR है, अगर ये साइड में है एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना वो यहाँ कहीं है I12, I13 या फिर यहाँ कहीं होते वो, लेकिन ये मिडल में नहीं है, ये दोनों जो है वो इसके एक साइड में है या फिर इस साइड में होते हैं,
तो टू का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो थ्री का भी क्लॉकवाइज ही होता, टू का अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थ्री का भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता, ये डायरेक्शन लॉ है, क्लियर है। ये कैनेडियन थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बेसिकली एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो सॉल्व किया है ना उसमें ये लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ये इधर है, चलो देखो, चलो हम लोग फोकस करते हैं लिंक थ्री और लिंक जो, एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं, नए पेज पर, राइट। तो ये आ गई लिंक। तो अभी अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरम हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेट्स से लिंक थ्री और फोर को फोकस करते हैं। तो थ्री फोर जो लिंक है इसके कितने आई सी आर होंगे, I13, I14 और इंटरमीडिएट ICR I34। सबसे पहले वो तीनों एक लाइन में है, देख लो I13 कहाँ है, इधर है, I14 कहाँ है, इधर है, I34 कहाँ है, इधर है। अगर ओमेगास का इक्वेशन अप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे, ω3 इंटू ω4 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा 3 है ना, तो इसका दोनों का इंटरमीडिएट ICR I34 किसके साथ, I13 के साथ, यहाँ पे I34 किसके साथ, I14 के साथ, ये क्लियर है। तो यहाँ से मतलब ये डिस्टेंस तो पता है आपको यार, मेजर कर लोगे, ये डिस्टेंस भी पता है, मेजर कर लिया, ω3 दिया होगा, ω4 निकाल लोगे, ठीक है। इससे आप डायरेक्शन कैसे सेंस कर सकते हो, जैसे मैंने बोला I34 कहाँ है, यहाँ पे बीच में, और इधर कौन है I13, इधर कौन है I14, मतलब 3 का जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट है कौन, 4। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। इस एग्जांपल को बढ़ाते हैं कोई भी दो लिंक्स के बीच में, चलो 2-3 का कर लेते हैं, 2-3, 2-3 के कितने आई सी आर आएंगे, I12, I23, I13, राइट। तीनों लाइन में क्या देख लो, 2-3 इधर है, 1-3 कहाँ है, 1-3 कहाँ है, इधर है, और 2-3 का 1-2 कहाँ है, इधर है, तो है तीनों लाइन्स में, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, ω2 इंटू क्या, कॉमन आई सी आर I23 और डिस्टेंस I12 के साथ, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ω3, ये डिस्टेंस I23 I13, क्लियर है, राइट। अगर इनका सेंस फिर से देख लेते हैं, कहाँ है, I23 बीच में है, वेरस ये दोनों कहाँ है, एक्सट्रीम है इधर, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन भी कैसा होगा, अपोजिट होगा, ये क्लियर है। तो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू अप्लाई कैनेडीज थ्योरम, इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल, एंड इसी तरह हमें ये अप्लाई करना है। नाउ चलो यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो देख लेते हैं, देन वी कैन एंड दिस वीडियो, राइट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर सकते हो, वर्कबुक से ये क्वेश्चन इनके सॉल्यूशन भी दे तो चुके हैं, ठीक है। देखो तो जैसे यहाँ पे ऐसा था कि एक कोई इंस्टेंट पे हमें जैसे ये इंस्टेंट दे दिया था, ये थी सब 4-bar मैकेनिज्म ओनली, ठीक है। क्या दिया है, व्हेन थीटा इज 180 ω2 इज 5, कैलकुलेट ω3, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं इसको, राइट। लिसन हियर, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें 4-bar चेन मैकेनिज्म ही दिया है, ओके। अभी इस 4-bar चेन मैकेनिज्म में क्या बोला गया है कि ये 4-bar चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। लिंक 1-2-3 थीटा, अगर थीटा 180 हो जाता है तो ω3 निकालना है हमें, ठीक है। ये डिस्टेंस दे दिए है 1-2-3-4 ऐसे, ए ए ए सबका लिंक जो लेंथ है वो ए है। यहाँ पे मैंने सबसे पहला मैकेनिज्म निकाल लिया, ऐसे कुछ मैकेनिज्म है, ओके। तो ये है लिंक 1-2-3-4, उसके बाद क्या दिया है हमें, डिस्टेंसेस ए ए दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस दिया है ए, ये भी डिस्टेंस दिया है ए, और ये एंगल थीटा। तो क्या बोला है कि ω2 का वैल्यू दिया है 5 radian per second, मैंने ω3 कैलकुलेट करना है, ω2 बोला है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है,
ठीक है, ओमेगा थ्री फाइंड आउट करना है हमें। अभी देखो हमें बोला है कि जब थीटा 180 हो जाए तब ये सब चीज़ें करनी है, राइट। तो थीटा 180 पे ये ऑब्वियसली कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूरा फ्लैट। चलो ये आ गया पॉइंट ए बी सी डी, तो ये आ गया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके। तो अभी ये अगर पूरा यहाँ पे फ्लैट हो गया मतलब ये पॉइंट डी आ गया, ठीक है, ओके। और ये जो लिंक है ये कुछ ऐसी जाएगी, राइट, बी दिस इज सी पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, एंड ए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू केनेडी थ्योरम दिस इज लिंक 2, 4, 3, ओमेगा तो ओमेगा टू को अगर लिखूं तो ओमेगा टू का ऐसा होगा ओमेगा टू इंटू आई टू, अच्छा वी आर फाइंडिंग आउट स्पीड ऑफ थर्ड लिंक, राइट। तो ओ आई थ्री इंटू वन टू इज इक्वल टू ओमेगा थ्री इंटू आई टू थ्री आई वन थ्री, राइट। तो ओमेगा टू इज गिवन 5, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, 2, 3 एंड 1, 2 रोटेट लोकेट करना है, अगेन 2, 3 1, 2 दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज आई 1, 2, ओके दिस इज आई 2, 3। तो 1, 2 और 2, 3 जो डिस्टेंस है ये है ए, ये डिस्टेंस है ए, राइट। 1, 3 कैलकुलेट करना है, 1, 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज केनेडी सर्कल 1, 2, 3, 4। चलो तो 1, 2 देन 1, 4 वी हैव 2, 3 एंड देन 3, 4 एज वेल, ठीक है। तो अभी इधर हमें निकालना है आई 1, 3, इसका लोकेशन स्पॉट हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी निकाल लेंगे, फिर हो जाएगा सब काम, ठीक है। तो 1, 3 निकालना है तो ऐसी लाइन बना दी आई 1, 2 और 2, 3, 1, 2 कहाँ है, 2, 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। 1, 4 ये 1, 4 एंड 3, 4 1, 4, 3, 4 ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब ये जो पॉइंट है यही है कौन आई 1, 3, राइट। गाइस हमें डिस्टेंस ये आई 2, 3 एंड 1, 3 का, जो ये 2, 3 है ये 1, 3 है, दिस इज़ ए दिस इज़ ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 है, तो ये आ गया 2 है। तो ओमेगा 2 इज 5 इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा 3 इंटू 2 ए, तो ए कट, ओमेगा 3 कितना आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। नाउ डिसाइडिंग द डायरेक्शन, देखो तीनों का लोकेशन कैसे है, आई 1, 2 यहाँ है, आई 1, 3 यहाँ है एंड आई 2, 3 यहाँ है। तो 2, 3 जो इंटरमीडिएट ICR है उसके दोनों ही साइड में है, मतलब जो बाकी जो ICR से है वो दूसरे साइड्स में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रोटेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, सेम होगा। तो अगर ओमेगा ये अगर क्लॉकवाइज में है तो ये भी कैसे रहने वाला है, क्लॉकवाइज में, ओके। दिस इज़ द वे टू यूज़ केनेडीज थ्योरम and I hope it is clear to you. In next lecture we